चलो भाई आगे सारे एक बार फटाफट बताओ, आवाज और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी गुड। चलो फिर डिस्कस करते हैं आज कुछ नई बातें। स्टूडेंट हम लोग कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन, जिसके अंदर हम लोग रेशियोज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखे हैं रेशियोज निकालने के। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑफ न्यू पार्टनर, कोई रेशियो होगा तो उसे ऑफ न्यू पार्टनर का ही केस समझेंगे, और प्लस फ्रॉम ओल्ड पार्टनर का केस हम लोग कर चुके हैं। किताबों के अंदर ऐसे शब्द नहीं दिए रहते हैं, क्योंकि इन शब्दों से, इन अंग्रेजी के शब्दों से ही हम लोग अपने कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश किए हैं। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी अभी तक। आज कुछ और नया डिस्कस करेंगे और इसके अंदर, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आइए उनको पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखने में ये चैप्टर बहुत ही सिंपल लगता है, मगर इस पर आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पक्का आते हैं, श्योर शॉट आते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चंस के अंदर बस थोड़े डिटेल्स दिए रहेंगे और उन थोड़े डिटेल्स की मदद से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बना दूं और फिर मैं आपको बता रहा हूं थोड़े डिटेल्स क्या होंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन कहेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज, अच्छा रेशियोज भी बता दें, 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। बस इतना बोल करके क्वेश्चंस बच्चे शांत हो जाता है, इतना बोल करके क्वेश्चंस बिल्कुल शांत हो जाता है, क्वेश्चंस इसके बाद कुछ नहीं बोलता। क्या ये पूरा इंफॉर्मेशन देखने में लग रहा है? हमें लगेगा अरे सर इतने तो कुछ बताए नहीं कि ए और बी से सी कितना ले रहा है, कितना सी को ए दे रहे हैं, कितना सी को बी दे रहे हैं, ना कोई रेशियोज, ना कोई ऑफ, ना कोई न्यू, ना कोई फ्रॉम, बस इतना बोल करके क्वेश्चन चुप हो जाता है। और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और क्वेश्चंस कहता है, रेशियो हो गया यहां पर, कहता है न्यू रेशियोज एंड न्यू रेशियो। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अब आपको अपना दिमाग लगा करके चलना पड़ेगा और कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। वो क्या एजम्पशंस है ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चे हम ये मानते हैं, और आपको याद आता होगा जब मैं फंडामेंटल्स का चैप्टर करा रहा था तो वहां यही वाला केस आया था। यस सलोनी, देखो देखो जो बच्चे रिविजन्स करते हैं ना उनको पता होता है, और ये वही केस है। मैं बोलने वाला था, सलोनी ने बिल्कुल सही कमेंट कर दिया इसके ऊपर कि सर जब हम लोग फंडामेंटल चैप्टर्स कर रहे थे तो उसके अंदर यही वाला केस तो आया था जिसके अंदर बताया ही नहीं था। अब सुनो ध्यान से क्या होता है ऐसे केसेस के अंदर। बच्चे ऐसे केसेस के अंदर हम क्या मानते हैं, सीधे हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियोज। क्या निकालेंगे? सीधे निकालेंगे न्यू रेशियोज। हम पहले सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे न्यू रेशियोज। और न्यू रेशियोज देखो कैसे निकल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है न्यू शेयर को, ध्यान से देखिएगा न्यू रेशियोज को। लेकिन न्यू रेशियोज से पहले आप सोचिए, नए फॉर्म के अंदर मिस्टर सी जो है 1/5 के लिए आ गए हैं, मिस्टर सी जो है 1/5 के लिए आ गए। आप सोचो मैं वो चिकन वाला एग्जांपल अगर दोबारा ले लूं, नहीं गलत जा रही हो दीदी, ध्यान से देखो यहां पर इक्वल नहीं होगा। अगर मैं चिकन वाला एग्जांपल ले लूं तो दरवाजा बंद था और दरवाजे के अंदर मिस्टर ए और बी 3:2 यानी 5 पीसेस चिकन लेग पीस लेकर के बैठे हुए थे। अब उस 3 पीस लेकर के लेग पीस बैठा था ए, और बी 2 लेग पीस लेकर के बैठा था, और सी की एंट्री हो जाती है, सी एंटर कर जा रहा है, सी एंटर कर जा रहा है, और सी कह रहा है 1/5 तो मैं लूंगा। अब सोचो ध्यान से, अगर सी एंटर कर जाता है पहले से बने हुए 5 पीसेस के अंदर, कहता है 1/5 तो मैं लूंगा, यानी निश्चित तौर है कि अब तीनों के बीच में जो 1/5 है वो मिस्टर सी लेकर के अगर चला जाएगा तो बाकी ए और बी के लिए कितना बच जाएगा। अरे भाई जो पहले था उसमें से आप सी का हिस्सा माइनस कर दीजिए,
तो सी जो लेकर किनारे हट गया तो बचा हुआ ही तो मिस्टर ए और बी आपस में बांटेंगे। इसलिए इस केस में हम लोग बाकी सारे केसेस में बच्चे पहले क्या निकाले हैं, पहले निकाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियोज और उसके बाद निकाले हैं न्यू रेशियोज। लेकिन यहां पर हम लोग सीधे चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, यहां चाहें हम लोग तो सीधे निकाल सकते हैं न्यू रेशियो। देखिए कैसे, अब यहां पर मैं सीधे आपको न्यू रेशियोज निकाल करके दिखा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, न्यू रेशियोज निकाल रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी इन न्यू फर्म। नए फर्म के अंदर हम ए और बी के लिए कितना हमारा शेयर्स बचेगा वो निकाल लेंगे। और वो आ रहा है बच्चे 1 माइनस सी जो लेना चाहता है 1/5 इज इक्वल टू 4/5। आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन, क्या आपको यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, आई एम हाईली इंप्रेस्ड कि मेरे बताने के पहले ही आपका कमेंट्स आ रहा है। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से देखेंगे। तो आप कह रहे हो 4/5 बचेगा सर, ठीक है। तो नए फर्म के अंदर याद रखिए ए और बी के लिए नए फर्म के अंदर 4/5 बट रहा है। मैं अब बोलना चाहता हूं न्यू रेशियो ए और बी आपस में कैसे कैसे बांटेंगे, कैसे कैसे बांटेंगे। आपको याद आता होगा मैंने कहा अगर यह तय नहीं है कि नए फर्म के अंदर बचा हुआ ए और बी कैसे बांटेंगे तो बचा हुआ ए और बी अपने पुराने रेशियो में ही बांट लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर यह बात नहीं तय हुई है कि जो सी के लेने के बाद जो चिकन के पीसेस बचे हुए हैं वो ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, तो मान लीजिएगा सी के लेने के बाद जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो ए और बी अपने वही पुराने अनुपात में बांट लेंगे जिस तरह वो पहले बंटवारा किया करते थे। एकदम सिंपल है, यानी नया शेयर्स में जो 4/5 बचा हुआ है, जो 4/5 बचा हुआ है इन दोनों के लिए ये दोनों अपने पुराने रेशियोज में ही, यानी 3/5 और 2/5 के रेशियोज में ही बच्चे बांट लेंगे। एकदम सिंपल, यानी ए का आ जाएगा यहां पर 12/25, बी का आ जाएगा बच्चे 8/25 और ये सीधे क्या निकला, ये सीधे निकल रहा है न्यू शेयर, ये सीधे निकल रहा है न्यू शेयर। देख सकते हैं आप बड़े ध्यान से, आप न्यू रेशियोज के लिए वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग नोट 1 रिमेनिंग शेयर, उसके बाद न्यू शेयर्स निकाला आपने, बचा हुआ सीधे तौर पर ए और बी आपस में अपने उसी पुराने रेशियोज में बांट लेंगे। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपके साथ ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर क्वेश्चन कह देता कि जो बचा हुआ शेयर है जी, जो बचा हुआ शेयर है जी वो ए और बी बराबर बांटेंगे, अगर क्वेश्चन कह देता कि सी के लेने के बाद जो बचा हुआ शेयर है, बचा हुआ शेयर वो ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, तो बच्चे फिर हम 3/5 और 2/5 के अंदर रिमेनिंग नहीं बांटते, तब हम 1/2 रिमेनिंग शेयर बांटते। यानी क्वेश्चन में रिमेनिंग शेयर बांटने का प्रपोर्शन दे सकता है, लेकिन जब तक नहीं बोलेगा इतना इंफॉर्मेशन देगा तो हम लोग रिमेनिंग शेयर्स जो बचे हैं नए फॉर्म में इनके लिए वो इनके पुराने अनुपात में ही बांट देंगे। बोलो भाई, आई नीड फाइनल कमेंट, क्या समझ आया या नहीं आया? सी का तो आपको शेयर पता ही है, सी का शेयर आपको पता ही है, सी 1/5 है, 1/5 इनटू 5/5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/25। तो टोटल न्यू रेशियोज कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा एबीसी के बीच में 12:8:5, ये रेशियो निकल जाएगा बच्चे इनका 12:8:5। यस, लेकिन अगर क्वेश्चंस कह दे कि भैया ये जो बचा हुआ 4/5 है रिमेनिंग शेयर वो मिस्टर ए और मिस्टर बी किसी गिवेन अनुपात में बांटेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, हम उसके लिए काम कर लेंगे। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे कहते हैं सर रेशियो वाला आ गया, ऑफ न्यू पार्टनर का केस लगा दो। अरे लैंग्वेज तो ध्यान से पढ़ो, वहां ये कहता था सी को जो मिल रहा है वो इस रेशियो में, यहां कहेगा ए और बी के बीच में नए फर्म के अंदर जो अनुपात है वो ये है। उसका मतलब है जो बचा हुआ शेयर है वो ए और बी आपस में किस रेशियोज में बांटेंगे, अपने जो रेशियोज दिया रहेगा। आप मुझे बता सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन देखो कैसे कंफ्यूज करेगा, मैं पूछ रहा हूं, मुझे ध्यान से सुनना, नया रेशियो ए बी सी के बीच में बताओ कितना है। बोलो भाई, नया रेशियो ए बी सी के बीच में कितना है, सारे बच्चे बोलेंगे तो सर 12:8:5,
12:8:5, सब यही बोलोगे। लेकिन मैं अगर पूछूं, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अगर मैं पूछूं न्यू फॉर्म में ए और बी के बीच में नया रेशियो क्या है, सिर्फ ए और बी के बीच में बताओ क्या है, सिर्फ ए और बी के बीच में बोलो क्या है, सिर्फ ए और बी के बीच में क्या है, 12:8, यही ना बोलोगे सर, ए एंड बी के बीच में न्यू में क्या है, 12:8 और 3:2, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, 12:8, वेरी गुड वेरी गुड, 12:8 बोलो या 3:2 बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। अब समझो, अब समझो बात को, जैसे ही रिमेनिंग शेयर वाला केस आ गया बच्चे, जैसे ही रिमेनिंग शेयर वाला केस आ गया, हमने यही तो माना है, हमने यही तो माना है कि जो बचा हुआ 4/5 है वो ए और बी भविष्य में भी, भविष्य में भी ए और बी के बीच में जो अनुपात होगा वो 3:2 का ही रहेगा, तभी तो हम लोगों ने बचा हुआ 3:2 के रेशियो में बांट दिया। और देखिए ए और बी के बीच में भविष्य में भी 12:8 का रेशियो आ रहा है, वो 3:2 ही दर्शा रहा है, कितने तरीके से घुमा सकता है, बोलो क्लियर है कि नहीं। यानी रिमेनिंग शेयर के केस में, अब ध्यान से सुनो, रिमेनिंग शेयर के केस में जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर न लेना न देना कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो वैसे केस में हम मान लेते हैं कि ए और बी भविष्य में भी, सिर्फ ए और बी, ए बी सी तीनों नहीं, ए और बी भविष्य में भी अपने में कैसे बांटेंगे, 3:2 में ही बांटेंगे, इसीलिए हमने रिमेनिंग शेयर को 3:2 में ही इनके बांट दिया और तब जाकर के नया शेयर निकाला। रिमेनिंग शेयर का यह पूरा प्रोसेस है बच्चे। यस, अब आइए इन्हीं बातों को, आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं इन्हीं बातों को आपको लिखाने जा रहा हूं नोट्स में, चलिए मिटा करके नोटिंग करेंगे सारे बच्चे। चलो भाई लिखोगे, हमारा अगला जो केस है, नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग मुझे याद नहीं है। व्हेन नो डिटेल्स ऑफ, नो डिटेल्स थोड़ा सीधा लिखा जाए इसे, व्हेन नो डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन इज गिवन, सैक्रिफाइस और गेन का कोई डिटेल नहीं दिया हो बच्चे, कोई सैक्रिफाइस और इसका ना दिया हो, नो डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन इज गिवन, कोई डिटेल ना दिया हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे परिस्थिति में बच्चे हम लोग, और मैं इसको और साधारण भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, व्हेन ओनली डिटेल्स ऑफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर्स इज गिवन, सिर्फ और सिर्फ यही दो डिटेल देगा जो अभी हमने एग्जांपल में आपको लिखाया है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में लिखाया है बस उतना ही डिटेल देगा। वैसी परिस्थिति के अंदर हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे वो पूरा फोकस करके हम लोग को चलना है यहां पर। तो क्या करेंगे हम लोग, देखें यहां पर स्टेप वन क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 - न्यू पार्टनर शेयर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - न्यू पार्टनर शेयर। और उसके बाद स्टेप टू, न्यू शेयर, अच्छा कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर मैं लिख भी रहा हूं, 4 ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद न्यू शेयर हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू शेयर क्या होगा इज इक्वल टू न्यू शेयर किसके लिए हम लोग निकाल रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, हां क्या निकलेगा यहां पर, रिमेनिंग शेयर
शेयर इनटू ओल्ड रेशियो, बस खत्म। यानी सीधे नई रेशियो निकल रहा है, न्यू शेयर निकल रहा है कि आप रिमेनिंग शेयर में उनके ओल्ड रेशियो से कर दीजिएगा, रिमेनिंग शेयर से उनके ओल्ड रेशियो से कर दीजिएगा। बच्चे बोलिए, इतनी नोटिंग कर लिया आपने, इतनी नोटिंग्स कर लिया आपने, ओके। मैंने आपको समझा भी दिया, मगर इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखा दूं। एक क्वेश्चन तो मैंने आप सॉल्व करा ही दिया है, आओगे इलस्ट्रेशन नंबर वन, इलस्ट्रेशन नंबर वन पर आएंगे सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन वन, और देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दो तीन बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी इलस्ट्रेशन वन में। कह रहा है ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन 3/6, 2/6, 1/6। तो लो भाई 3:2:1 दे रहा है, कितना आसान है, 3:2:1। कह रहा है डी वॉज एडमिटेड इन न्यू फॉर्म फॉर 1/5 शेयर। देखें यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर ए बी सी किस रेशियोज में है, 3:2:1 के रेशियोज में है, डी आ रहा है 1/6 शेयर पे, बस और कुछ नहीं बोल रहा है। तो निकलेगा रिमेनिंग शेयर ऑफ 1-1/6 इज इक्वल टू 5/6, 1-1/6 इज इक्वल टू 5/6। उसके बाद बच्चे क्या करना है, सीधे निकलेगा न्यू शेयर। कैसे निकलेगा सर न्यू शेयर, न्यू शेयर निकलेगा बच्चे आपके फॉर्मूले से ए बी सी रिमेनिंग शेयर को 5/6 को अपने पुराने अनुपात में ही बांट लेंगे, बस और क्या है, 5/6 को ही बांट लेंगे अपने पुराने रेशियोज में। इनका पुराना रेशियो था 3:2:1, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, बस खत्म हो गया। 15/36, 10/36, 5/36 और D का तो बता ही रहे 1/6, तो इनको 6/6 कर देंगे तो हो जाएगा 6/36। आ गया नया रेशियो 15:10:5:6। लो भाई एकदम सिंपल, बोलो बच्चों बोलो, क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एकदम साधारण बताइए क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है, हो गया सर। लेकिन अब मैं ट्विस्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस को। मैंने अभी अभी कहा अगर क्वेश्चंस के अंदर रिमेनिंग शेयर्स के अंदर आपको बोल दिया कि ए और बी यानी पुराने पार्टनर आपस में नए में क्या शेयर करेंगे तो क्या होगा। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले एक क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, यही सेम पर है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई बच्चा अगर चाहे तो मेरी मदद कर सकता है ये बताने में कि वो कौन सा क्वेश्चन है। यस 17 पे आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर आएंगे, नहीं सलोनी इलस्ट्रेशन नंबर 3 अलग है, वो इक्वली कर रहा है फ्रॉम सुरेश रमेश और उससे, वो रेशियोज वाले क्वेश्चंस हैं। इलस्ट्रेशन 3 ऑफ न्यू पार्टनर लगेगा, वो कह रहा है एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश एंड दीपक, इलस्ट्रेशन 3 अलग है। इलस्ट्रेशन 17 पे आए सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन 17 पे आइए सारे के सारे, ऑल स्टूडेंट प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 17। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आकर देखिए क्या कह रहा है। मैं ये पीछे मिटा दूं ताकि इंफॉर्मेशन लिखूं आपके सामने, ये सारी नोटिंग्स हो गई आपकी। चलो अभी मैंने जो नोटिंग्स कराई है, बच्चे उसके अंदर रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिख लेना, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिख लेना। अभी जो हमने नोटिंग कराई है उसमें लिख लो अपने नोटिंग्स में रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 1, ताकि आपको पता रहे। अब मैं जो करा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 17 करा रहा हूं, और देखो कितना बढ़िया है, मैं बी पढ़ रहा हूं, 17B इलस्ट्रेशन 17B, 17B
कह रहा है ए बी आर द पार्टनर, ए बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2, 3:2 में है बच्चे, ठीक है चलो सर ये तो हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, सी 1/4 शेयर के लिए आए हैं, सी 1/4 शेयर के लिए आए हैं। बच्चे अगर यहीं पर रुक जाता क्वेश्चन तो हम ये मान लेते कि भैया रिमेनिंग शेयर निकाल लो, हम क्या करते, हम कहते कि आओ रिमेनिंग शेयर निकालें, यही क्वेश्चन साथ होता तो हम कहते रिमेनिंग शेयर फोर ए एंड बी क्या होगा, 1-1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये हम बोल देते। और उसके बाद मैं क्या कराता, यहां ए और बी के बीच में न्यू शेयर जब बांटता, न्यू शेयर जब बांटता तो 3/4 और बी के लिए भी इज इक्वल टू 3/4, मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि 3:2 में ही बांट लो, रिमेनिंग वाला 3:2 में ही बांट लो। क्यों? क्योंकि मैं ये अजम्पशन ले रहा था कि भविष्य में ए बी और सी जो न्यू रेशियो निकलेगा, न्यू रेशियो ए बी और सी में सिर्फ ए और बी को अगर हम देखें, सिर्फ ए और बी को हम देखेंगे, सी के साथ नहीं, सिर्फ ए और बी को न्यू रेशियोज में देखें, इन दोनों के बीच में नए रेशियो में भी 3:2 का ही अनुपात चलेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था, हम वही मान रहे थे कि ए और बी में भविष्य में 3:2 ही रहेगा, सी के साथ अलग हो सकता है लेकिन इन दोनों का आपस में 3:2 ही चलेगा, क्वेश्चन ये कह रहा था, नहीं कह रहा था तो हम यही मान रहे थे और इसीलिए हम 3:2 में ही रिमेनिंग शेयर को बांट दे रहे थे। लेकिन 17वें का पढ़िए, 17वें का बच्चे पढ़िए इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यू रेशियो, लेकिन क्या ए बी और सी तीनों का दे रहा है न्यू रेशियो, मैं फाइनल कमेंट चाहता हूं, क्या ए बी सी का तीनों का न्यू रेशियो दे रहा है, बोलो नहीं दे रहा है, और बच्चों का कमेंट चाहिए, क्या ए बी सी तीनों का रेशियो दे रहा है, नहीं, अगर तीनों का दे देता तो सर इतना मेहनत क्यों करते हम, फिर तीनों का तो क्वेश्चन में दे ही देता, यानी जैसे ही वो सी को बाहर कर रहा है, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भविष्य में जो रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी आपस में 2:1 में बांटेंगे, क्वेश्चन ये कहना चाहता है जो रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी आपस में 2:1 में बांटेंगे, बस खत्म, पहले नहीं बोलता था कुछ तो हम उनके पुराने रेशियोज में बांट देते थे, लेकिन अब कह रहा है क्वेश्चन कि बचा हुआ दोनों 2:1 में, यही इसका मतलब होता है, अंडरलाइन करिए, रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1 और वहीं पर लिख लीजिए, दिस इज नॉट न्यू रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर, दिस इज न्यू रेशियो ओनली बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, ओनली बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, यानी सर आप कहना चाहते हो रिमेनिंग शेयर 2:1 में बटेगा, बिल्कुल, तो 2/3 और 1/3 में बांटिए, तो 3:2, 6/4, 3:12, 3:1, 3/4, 3:12 आ गया ए और बी का, और सी का क्या है, सी तो 1/4 के लिए है ही, इंटू 1/3 करिए तो 1/12 हो गया, न्यू रेशियो क्या हो गया सर, न्यू रेशियो हो गया तीनों के बीच में, अब हम ए बी और सी तीनों का बता रहे हैं तो 6:3:1 में, बात खत्म। बोलो बच्चों कितनों को समझ आ गया, एकदम सिंपल सिंपल था क्वेश्चन है, एक बार देखना कैलकुलेशन सही है ना, गड़बड़ करा दिया तुम लोगों ने, यहां पर 3/3 होगा, 3/3 होगा, 3/3, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अरे कृष्णा क्या बात है, आज तो कृष्णा पूरा एक्टिव है, आज कृष्ण ने सही जवाब दे दिया, बच्चे नीचे ऊपर दोनों बराबर बराबर होता है 3/3, माई मिस्टेक, इतनी मैथमेटिक्स तो, इतना चांस तो मुझे भी है गलती करने का, जल्दीबाजी में हुई गलती है, मैं देख रहा था कि तुम एक्टिव हो कि नहीं, आज कृष्णा बिल्कुल सही है, मैं यही चेक करने के लिए देखा कि कृष्णा एक्टिव है कि नहीं, और कृष्णा एक्टिव है, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा, 3/3 करेंगे बच्चे, 3/12 तो 6:3:3 होगा आंसर, फाइनली 6:3:3, 6:3:3, चलो भाई कृष्णा ने आज बंसी बजाई है बहुत बढ़िया,
कहा कि सर आप कहते हो मैं कुछ भी नहीं करता, देखिए आज आपके एक कैलकुलेशन मिस्टेक को मैंने सही कर दिया। नोटिंग हो गई सबकी? अच्छा चलो अभी तक सब शांत बैठे हो, अरे भाई कमेंट भी तो करो कि क्या ये समझ आया कि नहीं, ये रिमेनिंग शेयर्स वाले ही कॉन्सेप्ट समझ आए कि नहीं। और 17A भी इसी पर बेस्ड है, 17A भी इसी पर बेस्ड है। आइए 17A देखा जाए। ए बी पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर वन फेस शेयर। और देखिए क्या कह रहा है, ए बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। सिर्फ ए और बी का न्यू रेशियो दे रहा है, सिर्फ ए और बी का न्यू रेशियो दे रहा है 1:1। सेम केस अप्लाई होगा 17। आइए नोटिंग करें इसके ऊपर, जहां मैंने अभी नोटिंग कराया है वहीं पर आप देखेंगे, नोट करेंगे। नोट, इफ न्यू रेशियो बिटवीन ओनली ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन देन अप्लाई रिमेनिंग शेयर केस। रिमेनिंग वाला शेयर वाला केस लगाना, रिमेनिंग शेयर इसी में लिखोगे, रिमेनिंग शेयर इन सच केस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो बिटवीन देम। बस खत्म, न्यू रेशियोज बिटवीन देम में आप बांट दीजिएगा। रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 17। चलो खत्म हो गया इलस्ट्रेशन 17। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए निकाल दूं, और बेहतरीन क्वेश्चंस निकले तो मजा आए। आ जाओ इलस्ट्रेशन 19 में, आओ इलस्ट्रेशन 19 में आओ। क्या मजेदार क्वेश्चन है, चुन चुन के लिए आपके लिए एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। इलस्ट्रेशन 19 में आइए और देखिए, कह रहा है KLM आर द पार्टनर्स इन द रेशियो शेयरिंग 3:2:1, दे एडमिट N फॉर 1/6 शेयर एंड इट इज एग्रीड दैट M वुड रिटेन ओरिजिनल शेयर। चलो भाई अंडरलाइन मारो, क्वेश्चंस की डिटेल लिखते हैं, अंडरलाइन मारो। N would retain His ओरिजिनल शेयर। देखो भाई K कौन सा है, 19, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। KLM पार्टनर्स हैं और किस रेशियोज में पार्टनर है, 3:2:1 में पार्टनर है, 3:2:1 में पार्टनर है, ठीक है। यानी K का शेयर है 3/6, L का शेयर है 2/6 और M का शेयर है 1/6। ये है ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, चलो ओल्ड रेशियो है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है क्वेश्चंस के अंदर कि जो N आया है, मिस्टर N जो आए हैं वो 1/6 शेयर के लिए आए हैं। N जो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, एडमिट हो रहा है, 1/6 शेयर एडमिटेड। मैंने क्या लिख दिया, KLM है ना, ठीक है, एडमिटेड। तो भाई ये तो फिक्स हो गया ना कि N का 1/6 शेयर है न्यू फॉर्म में, 1/6 शेयर है न्यू फॉर्म में। और क्वेश्चन कह रहा है इट इज अग्रीड दैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी M जितना पहले पाते थे अभी भी उतना ही पाएंगे। लो भाई, तो M का
पहले था 1/6 शेयर, एम का भी डिसाइड हो गया शेयर, अब दो लोगों का डिसाइड हो गया है, जो मिस्टर एन आ रहे थे 1/6 शेयर के लिए और जो मिस्टर एम थे पहले से फर्म के अंदर उनका भी 1/6 शेयर डिसाइड हो गया। अब समझिए बच्चे, ये भी केस कौन सा केस है, ये भी केस रिमेनिंग शेयर वाला ही केस है, ये भी केस रिमेनिंग शेयर वाला ही केस है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे रिमेनिंग शेयर फोर के एंड एल, क्योंकि एम और एन का तो डिसाइड हो गया, एम पुराना था लेकिन उसका भी डिसाइड हो चुका है कि 1/6 लेगा, एन नया है उसका भी डिसाइड हो गया। आप समझिए, 1 माइनस जो आप करेंगे वो इन दोनों का जोड़ करके करेंगे, यानी 1/6 प्लस 1/6। बोलो समझ आया यहां तक, यानी अब इन दोनों का जोड़ करके चलेगा, 2/6 माइनस करना पड़ेगा हम लोग को 2/6 यानी 1 माइनस 2/6 करना पड़ेगा, दैट इज 4/6। बिल्कुल, यानी आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6, ये जो m है पुराना वाला वो ये रखेगा और n इन दोनों का ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, तो बचा कौन, k और l 4/6 रिमेनिंग शेयर हो गए। तो भैया न्यू शेयर k और l कैसे लेंगे, बोलो भाई k के लिए क्या हो जाएगा, जो बचा है सर 4/6 इंटू किस रेशियो में। सीधा बात है, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो k और l आपस के पुराने रेशियोज में बांट लेंगे, यानी 3/5 और l भी 4/6 को बांट लेंगे इंटू 2/5। इन दोनों का आपसी रिलेशन, k एंड l का पुराना रिश्ता है 3:2 के रेशियो में, तो बांट लेंगे इस तरीके से। तो इनका हो गया भैया 12/30 और इनका हो गया 8/30 और m का जो डिसाइडेड है 1/6 तो इंटू 5/5 कर लेना, तो ये आ गया 5/30, ये आ गया इज इक्वल टू 5/30। अब नया रेशियोज आप बोल सकते हो कितना हो गया 12:8:5:5 न्यू रेशियो। लो खत्म। बोलिए बच्चों, समझ आया या 19th भी मिलता जुलता है। बस इसके अंदर यूनिक चीज क्या थी, पहले जो नया पार्टनर आता था उसी का फिक्स होता था कितना लेगा, तो रिमेनिंग चला जाता था। इस बार क्वेश्चंस के अंदर पुराने का भी फिक्स कर दिया कि भाई पुराने वाले तुम्हारा भी फिक्स है। तो ये भी क्वेश्चन आपके जा रहा है बच्चे होमवर्क के अंदर, आप इसे भी करोगे। और अब मैं आपको होमवर्क दे रहा बच्चे, 18th को छोड़कर के लगभग सब हो जाएंगे, एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 18 तुम लोग सब का सब कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 18 को छोड़ते हुए ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर पाओ। सब खत्म, सब डन। शेयर्स में 18 का छोड़ करके सब डन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आपको कोई भी समस्या नहीं है। मैं 18 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सर, अब और केस नहीं आ रहा रेशियोस का, नहीं एक केस तो और है मगर उसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस दिख नहीं रहा, मैं सिर्फ उसकी नोटिंग करा देता हूं। 18 मत करना, बस मैं एक नोटिंग करा देता हूं, अब और केस नहीं आ रहा है रेशियोस का, मतलब पूछ रहे हो केसेस नहीं होते बच्चे, ये तो मैथमेटिक्स है, केसेस तो कॉमर्स वालों ने नाम दे दिया, ये केसेस नहीं है, अरे तो मैथमेटिक्स है, हम लोगों ने अपने जुगाड़ के लिए, मैथमेटिक्स अपनी खराब है तो हम लोग रटने का एक प्रयास बनाते हैं, ये केस वो केस, अरे केस क्या होता है, मैथमेटिक्स है, बात खत्म, सब मैथमेटिक्स है, एक केस और लिखेंगे बस। अब समझो क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे दिया तो, ओल्ड रेशियोज और न्यू रेशियोज दोनों दे दिया तो, बच्चे दोनों दे दिया तो आप एक बात क्लियर मान लीजिए, फिर आपके लिए समस्या ही नहीं है, आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड दिया ही हुआ है न्यू दिया ही हुआ है, दोनों का डिफरेंस सैक्रिफाइस या गेन होता है, वो हम लोगों ने क्लास से शुरू में ही पढ़ लिया था वो केस, तो मगर बस उसकी नोटिंग कर लेंगे। अच्छा दूसरी चीज, रिमेनिंग शेयर वाले केस के अंदर बच्चे
रिमेनिंग शेयर वाले केस के अंदर एक गजब का शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि जो ओल्ड रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। अभी मैंने जो इससे पहले केस लिखवाया था वहां पर ओल्ड रेशियोज ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियोज होगा, नया में रेशियोज तो है ही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियोज भी होगा। याद रखिएगा, ओल्ड रेशियोज इज ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियोज बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। जो मैंने अभी रिमेनिंग शेयर्स का पहला करा है, जब क्वेश्चंस क्लियर ना बताए कि भविष्य में वो कैसे बांटेंगे, वो क्वेश्चंस आएगा तो मैं वो करा दूंगा आपको। चलिए लास्ट केस लिखिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराते समय बता दूंगा। आप जो इलस्ट्रेशन नंबर वन किए हो अभी, मैं अभी लिखा ही देता हूं, आपने जो इलस्ट्रेशन नंबर वन किया है वो जो मैंने नोटिंग इलस्ट्रेशन नंबर वन के लिए कराई है वहीं जाकर के टॉप मार्जिन में आप लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर वन के लिए जो मैंने नोटिंग कराई है कि व्हेन ओनली ओल्ड रेशियोज एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, व्हेन ओनली ओल्ड रेशियोज एंड न्यू पार्टनर शेयर आर गिवन, जो इलस्ट्रेशन नंबर वन के लिए कराई है वहीं आप लिख लीजिए ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आप लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करते वक्त फास्ट होना पड़े तो आपको तुरंत पता चल जाए ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियोस, वहीं लिख लीजिए आप। समझ रहे हो कहां लिखना है? अभी जो मैंने लिखाया था रिमेनिंग शेयर का जो केस लिखवाया इलस्ट्रेशन नंबर वन से पहले, वहां पर जाकर के एरो करके टॉप मार्जिन में लिख लो इन सच केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियोस। समय बचेगा, यह शॉर्ट ट्रिक है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियोस वहां लिख लेना। लेकिन कब? जब क्वेश्चंस के ओनली फॉर द इलस्ट्रेशन वन, 17 के ऊपर अप्लाई मत करना। वहां पर जब सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियोज एंड न्यू पार्टनर शेयर्स आर गिवन। चलो एक लास्ट केस करते हैं, हम लोग लास्ट केस करते हैं और इस केस के अंदर कर रहे हैं व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन, बोथ आर गिवन। बच्चे ऐसे स्थिति में पता नहीं क्यों बोर्ड के ऊपर मेरा आज ना सीधा नहीं जा रहा राइटिंग, जब हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो कैमरे में मुझे उठपटांग दिख रहा है। व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन, बोथ आर गिवन, थोड़ा सीधा हो गया। तो बच्चे क्या करना है ऐसे केस में, न्यू रेशियो, और मैं न्यू रेशियो नहीं करता, मैं ऐसे कर देता हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू प्लस आया तो गेन और माइनस आया तो सेक्रीफाइस। लेकिन क्योंकि तुम्हारा किताब और सीबीएसई एनसीईआरटी की सारी किताबें कौन सा चलाती हैं, ये वाला चलाती है इस चैप्टर में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये भी नोटिंग कर लो भैया, प्लस आया तो सेक्रीफाइस और माइनस आया तो गेन। ये मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, तो अगर ओल्ड और न्यू दोनों दे दे तो फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेट करने पड़ते हैं या फिर गेनिंग भी आ सकते हैं ऐसे परिस्थिति के अंदर। बस अगर ओल्ड और न्यू दोनों दे दे तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ढूंढ करके एक आध क्वेश्चन निकालू, आप भी हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ढूंढने में जो एक्टिव बच्चे हैं, कि क्या ऐसा कोई केस है कि नहीं हम लोग के पास, और होगा पक्का, कभी तो सीबीएसई तरस खाई होगी और ये आसान क्वेश्चन पूछी होगी, ऐसा तो है नहीं कि कभी जिंदगी में पूछी ही नहीं होगी। तब तक नोटिंग कर लो भाई, थर्टीन, यस इलस्ट्रेशन 13 रेफर कर लीजिए, इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क है, सीधे होमवर्क है, इसके ऊपर बहुत चर्चा और वो नहीं करना मुझे, सीधे होमवर्क है। तो आपको मैं रोक रहा हूँ इलस्ट्रेशन 11 के लिए और
इलस्ट्रेशन 18 के लिए, दो इलस्ट्रेशन छोड़ देना है, इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 18, इसके अलावा आप पूरा ट्राई करो, इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 13 11 और 18 छोड़ करके बाकी सब ट्राई करो, डाउट्स निकालो, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इलस्ट्रेशन 10 भी छोड़ देना, लो 10 भी छोड़ देना बस, इसके अलावा मैक्सिमम तो मुझे लग रहा मैंने कराई दिया, फिर भी देख लेना। तो 10, 11, 18 को छोड़ते हुए बाकी सारे इलस्ट्रेशन आपको कर लेने हैं, वो तीनों में डिस्कशन है, वो तीनों में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस बच्चे आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर तीन इलस्ट्रेशन तो है ही है, प्लस कुछ और अब ट्रीटमेंट्स पे आएंगे हम लोग, वही सारे ट्रीटमेंट, गुडविल, रिवैल्यूएशंस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, उनकी चर्चाएं होंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, मगर ये तीन इलस्ट्रेशंस रेशियोस के डिस्कस होने के बाद। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अब आप चाहे तो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आज के क्लास के लिए बस इतना ही था बच्चे, टाटा बाय बाय, डाउट्स पूछना स्टार्ट करें।